समय से खड़े हैं बस? एक घंटा हो गया खड़े। एक घंटा हो गया आपको खड़े हुए? खड़े हुए हाँ। दो दो घंटे लाइन में लगे रहना पड़ता है यहाँ पे। तो आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी इस पूरे बस स्टैंड की आपको तस्वीर दिखाए। तमाम अभी हमारे सामने यहाँ पर कम से कम 10 बसेस आ चुकी हैं। दिल्ली में लगातार कोविड केसेस कम होने के दौरान दिल्ली सरकार और डीडीएमए की बैठक में सभी जनता के लिए पाबंदियां खोल दी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें डीटीसी बसेस की और मेट्रो की, तो वहां पर अभी भी जनता को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं दी गई है। उसका साफ तौर पर नज़ारा आप यहां देख सकते हैं। जहां तक आप देखेंगे वहां पर आपको लोगों की कतार नज़र आएगी, लेकिन इन सभी लोगों को खड़े होने की अनुमति नहीं है बसेस में। बसेस जो हैं टाइम से नहीं आ रही हैं। डीटीसी का पैटर्न जो है वो पूरी तरह से डीटीसी की बसेस फॉलो नहीं कर रही हैं। यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बुढ़ारी वाली बसें तो बिल्कुल है ही नहीं। बुढ़ारी वालों को सबसे ज़्यादा समस्या है। इसके जाने आजादपुर जाने वाली बसें इतनी, बुढ़ारी वालों को तो इतनी परेशानी है, सबसे ज़्यादा परेशानी है। दो दो घंटे लाइन में लगे रहना पड़ता है यहाँ पे। बच्चे हैं, घर में रोटी पानी की हर चीज़ की परेशानी होती है, खाने पीने की हर चीज़ की परेशानी होती है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि तमाम सुविधाएं अब सारी खोल दी गई हैं सरकार की ओर से, तो कहीं ना कहीं बसेस में भी खड़े होने की अनुमति होनी चाहिए? एक चाहिए, ज़्यादा ना हो तो 20 आदमी खड़े होने चाहिए, ज्यादा ना हो। अगर कोविड फैलने की बात है तो आप मानते हैं कि इस कतार में लगने से ज्यादा कोविड फैल सकता है? ये तो आपस में इतने टच है, बस से ज्यादा भी टच है इसमें तो इससे ज्यादा घुस के ले जाते हैं, तो तब नहीं कोविड होता है क्या? आरटीपी में दम घुटता तब चलते हैं हम, और जब डीटीसी में जाते हैं तो तब हमें खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्यों इतनी लाइन में खड़े हैं, क्यों हैं हम खड़े? हमें बस में जाने के लिए अनुमति देनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनता की मांग साफ ये है कि तमाम सुविधाएं जब दिल्ली में खोल दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं बसेस में भी खड़े होने की अनुमति दे देनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए टिकट तो फ्री कर दी है, लेकिन उसी टिकट के नाम पर जब महिलाओं को घंटे घंटे इस कतार में खड़ा होना पड़े, तब कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? गीता। कितने समय से खड़े हैं बस? एक घंटा हो गया खड़े। एक घंटा हो गया आपको खड़े हुए? हाँ। तो केजरीवाल जी जो हैं वो महिलाओं के लिए बड़े वादे कर रहे हैं कि मुफ्त की टिकट हो गई है, तो क्या लगता है सुविधाएं वैसी मिल रही हैं? सुविधाएं वैसी नहीं मिल रही जैसे वो केजरीवाल बोल रहे हैं। कोई सुविधा ऐसी नहीं है। लाइन में एक एक घंटा दो दो घंटा भी हो जाता है कभी कभी खड़े खड़े। यहाँ पे लाइन यहाँ से लेके वहाँ तक चली जाती है, काफ़ी दूर तक चली जाती है। तीन तीन चार चार घंटे हो जाते हैं लाइन में लगे लगे। पीछे के आते हैं, आगे चढ़ जाते हैं, आगे वाले पीछे वाले लाइन में जो लग रहे हैं वो खड़े ही रह गए, जो आते हैं वो आगे चले जाते हैं। और स्कूल के बच्चे आ जाते हैं तो फिर जगह बिल्कुल मिलती नहीं है, क्या करें बताओ। मतलब आप मानते हैं ये कि जैसे सभी सुविधाएं जो हैं दिल्ली में खोल दी गई हैं, जैसे कोविड के चलते जो बसेस में पाबंदियां लगाई गई थी, कर दो बसों में भी ऐसी चला दो। कोविड अब सब जगह खत्म हो रखा है, मॉल खोल दिए, सब चीज खोल दी, तो आप चाहते खड़े होने की अनुमति हो जानी चाहिए? और क्या हो जानी चाहिए। तो जनता की मांग हर समय यही रहती है कि उन्हें सारी सुविधाएं मिले सरकार की ओर से, तो वहीं अब जनता की मांग ये भी है कि बसेस में अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें खड़े होने की अनुमति भी दी जाए, जो अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। मैम, क्या नाम है आपका? करिश्मा। कितने समय से खड़े हैं? 15-20 मिनट हो। 15-20 मिनट हो गए हैं। अच्छा, क्या मानते हैं जैसे तमाम सुविधाएं दिल्ली में खोल दी गई हैं कोविड गाइडलाइंस को लेकर, क्या आप मानते हैं बसेस में भी खड़े होने की अनुमति दे देनी चाहिए? जी मैम, अब दे देनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो कतार यहाँ पर एक लगी है पूरी, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, क्या लग रहा है कि ये कोविड ज़्यादा फैला सकता है या बसेस में खड़े होना ज़्यादा कोविड? मैम, ये खड़े होना ज़्यादा फैला सकता है। लोग भागते हैं एक दूसरे को धक्का दे के बस में चढ़ने के लिए, तो ये ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा फैलाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने किसी भी बस में अभी तक, मतलब 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट कोविड को, आपने किसी भी बस में अभी तक थर्मामीटर या सैनिटाइजर की उपलब्धि देखी? नहीं मैम, नहीं, कुछ नहीं देखा। नहीं देखा। आप लोगों ने देखा? नहीं देखा जी। कुछ नहीं देखा। अच्छा, तो दिल्ली बस भी इतनी देर में आवे, हम तो खड़े खड़े बोर हो रहे हैं, मतलब पैर भी दुखने लगे हैं। टीवी लगवा दो यार। टीवी नहीं यार, चुप हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं खड़ी हैं, और दिल्ली सरकार की ओर से कहा
कहा जाता है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए बस में सवारी करना मुफ्त कर दिया गया है। मुफ्त की सवारी आप यहाँ देख सकते हैं लोगों की। क्या नाम है? सरिता। सरिता जी, कितने समय से खड़ी हैं? आधा घंटा हो गया। क्या हुआ, बस आ नहीं रही या बिठा नहीं रहे? आ भी नहीं रही है, बिठा भी नहीं रहे हैं। बिठा क्यों नहीं रहे हैं? क्या सीट भी खाली होते हैं फिर भी नहीं बिठाते? अच्छा, सीट खाली होती है तब भी नहीं बिठा रहे हैं। क्यों है ऐसा, आपने पूछा उनसे सवाल? पता नहीं, हम क्या पूछे हैं, नहीं पूछा है। मतलब सीट खाली होती है तब भी नहीं बिठा? हाँ, फिर भी बोल देते हैं नहीं है जगह। अच्छा, जगह नहीं है ये बोला जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ तमाम बसेस आ रही हैं, लेकिन जनता का कहना ये है, जो अंदर मार्शल है, जो अंदर कंडक्टर हैं, वो जनता को अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ इस चीज़ को बोला जा रहा है कि यहाँ पर बस में जगह नहीं है, क्योंकि कोविड के फैलने का खतरा कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है। तो आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी इस पूरे बस स्टैंड की आपको तस्वीर दिखाए। तमाम अभी हमारे सामने यहाँ पर कम से कम 10 बसेज आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी बिठाया नहीं जा रहा है। मार्शल की ओर से कहा जा रहा है कि अभी सीट्स नहीं है। हालांकि हम भी देख पा रहे हैं सीट्स जो हैं बसेज में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जब केजरीवाल सरकार की ओर से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा कराई जाएगी, बसेस की सर्विस दी जाएगी, वो कहीं ना कहीं जनता को नहीं मिल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनता जो है उनकी भागा यहाँ पर हो रही है। बस में चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर उतारू हैं। कितनी सीट्स हैं बस में? मैडम 34 सीट है। 34 सीट हैं। अच्छा, आप मुझे सैनिटाइजर और थर्मामीटर दिखा सकते हैं एक बारी बस? सैनिटाइजर थर्मामीटर वहाँ से होकर आती है मैडम, ये डिपो से सैनिटाइजर होकर आती है। डिपो से सैनिटाइजर होकर आती है गाड़ी मैम, हमारे पास तो नहीं। जो सैनिटाइजर होता है वहीं से होकर आती है गाड़ी पूरी। अच्छा, तो आप जितनी भी तमाम जनता चढ़ती रहेगी वो सैनिटाइज नहीं? जी नहीं, नहीं होती है। अच्छा सर, यहाँ पे मार्शल कहाँ अवेलेबल है? मार्शल, ठीक है, ठीक है सर। होता है लेकिन क्या पॉइंट पे होता है? पॉइंट पे होता है ना, पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी जाएगी। नहीं, लेकिन यहाँ पे बार बार जनता अगर चढ़ेगी तो उनको सैनिटाइज, जैसे वहाँ गाड़ी जाएगी ना उधर, वहाँ पे सवारी उतरेंगी फिर वहाँ से सैनिटाइजर होकर चलेगी गाड़ी उधर से। अच्छा, रोकी जाएगी सैनिटाइज? जी जी। तो उनका कहना है यहाँ पर कि इस बस को सैनिटाइज करके लाया गया है। अब जनता जो बार बार चढ़ेगी उनको सैनिटाइज करना, इनके पास वो सारी सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है। और साथ ही अगर हमने थर्मामीटर की बात करी तब किसी का भी टेम्परेचर नाप कर उनको बस में नहीं चढ़ाया गया है। हालांकि मेट्रोज की अगर हम बात करें तो मेट्रो में लगातार ये सुविधाएँ लोगों को मिल रही हैं। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी नाम कहीं नहीं है। अब दिल्ली सरकार जनता के लिए इसको कहां तक सुरक्षित मानती है, ये एक बड़ा प्रश्न उठता दिख रहा है। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि DDMA और दिल्ली सरकार की बैठक में क्या बसों में और मेट्रो में लोगों को खड़े होकर सफ़र करने की अनुमति दी जाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल जनता के लिए खड़ा होता दिख रहा है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं इशिका, नेशन लाइव।